हेलो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम होप यू ऑल आर फाइन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास्ट पेपर प्रैक्टिस फॉर 2024 अटेम्प्ट इट्स अ रिवीजन डे क्लास एंड दिस क्लास आई एम गोइंग टू कंडक्ट इन उर्दू लैंग्वेज बट द सेम क्लास आई एम गोइंग टू कंडक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एंड इट विल बी ऑल्सो अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल ओके तो हम बात आगे करते हैं जस्ट फॉर योर मोटिवेशन फ्यू हाई अचीवर्स आपके सामने ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये हमारे हाई अचीवर्स हैं कुछ जो लास्ट अटैम्प में जिन बच्चों ने रिमार्केबल स्कोर्स किए हैं आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे लिमिटेशन की वजह से मैंने यहाँ लिखे भी नहीं हैं फिर इन 2024 वी हैव लाइक टू वर्ल्ड टॉप्स इन एफ सिक्स और अभी रिसेंटली एक एफ़ सेवन में भी वर्ल्ड टॉप आया है तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए मोटिवेशन है अगर ये बच्चे स्कोर कर सकते हैं तो वाई कॉन्ट यू डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं उन्होंने भी इन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो किया था और इन्हीं चीज़ों को पढ़ा था सब कुछ तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं और स्टिल यू हैव लाइक टाइम लास्ट मंथ पूरा है आप लोग के पास तो वन मंथ इज़ ऑल्सो मोर देन अनफ और स्पेशली एंडिंग डेज में ही असल आउटपुट मिलता है असल आउटपुट एंडिंग डेज में ही मिलता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सब कॉन्सनट्रेट करें अपना स्टडी प्लान बनाए अपना एग्जाम फोल्डर बनाए वेरियंसिस कैलकुलेट करेंगे भाई कितना टारगेट था इस वीक का और कितना अचीव किया ये सब चीजें लाजमी आपने करनी है ठीक है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल अगेन बार बार यही बात बोलता हूँ कोई वजह है इस वजह से बोलता हूँ कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें आप लोग ठीक है अच्छा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए की वेबसाइट पे जो पास्ट पेपर आता है वो ऑब्वियसली बात है लास्ट फोर्टी मार्क्स का आता है जो वो लोग डिस्क्लोज करते हैं तो दैट्स वाई मैं वो फोर्टी मार्क्स का भी एक सवाल करा रहा हूँ दैट इज अबाउट टैक्स प्लानिंग टैक्स प्लानिंग का सवाल है ये okay? ओके अब यू आर अ ट्रेनिंग चार्ट अकाउंटेंट सॉरी यू शुड अज्यूम दैट टूडेज डेट इज फिफ्टीन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये आज का दिन है एंड यू आर अ ट्रेनिंग चार्ट अकाउंटेंट डीलिंग विद द टैक्स अफेयर ऑफ आफिया आफुआ एंड एक्वा यानी ये तीन नाम है तीन अप्रैल दो हजार नौ बेटा ये कई सालों सेज अ पार्टनरशिप काम कर रहे थे सही individual traders मिलके है यानी इंडिविजुअल सोटेड मिलकर जो पार्टनरशिप बनाते हैं ना तो पार्टनरशिप के थ्रू ये लोग काम कर रहे थे सिक्स अप्रैल दो हजार नौ से लेके आज सिक्स अप्रैल दो हजार तेईस तक ओके द पार्टनरशिप प्रॉफिट है इंक्रीज सो द पार्टनर्स आर कंसिडरिंग इन कारपोरेटिंग द पार्टनरशिप बिजनेस ऑन सिक्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब क्वेश्चन नंबर ये जो दस मार्क का सवाल होता है ना जो पहला सवाल होता है ये नॉर्मली टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड होता है और ये भी प्लानिंग का है तो एक बिजनेस ऑलरेडी पार्टनरशिप की फॉर्म में चल रहा था अब ये लोग चाहते हैं कि इसी बिजनेस को लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में चलाएं अब ये लोग चाहते हैं कि इसी बिजनेस को लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में चलाएं ओके तो ऐसी सूरत हाल में अब आपको पूरी कंपनी फॉर्म करनी होगी और कंपनीज के हिसाब किताब लेकिन मजे की बात ये आपने बहुत सारे सवाल बहुत सारे सवाल मैंने कराए हुए क्लास में तो आपने देखा होगा कि इस तरह के प्लानिंग के सवाल में ऑलरेडी एक साइड ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है और फिर दूसरी साइड आपने कैलकुलेट करके कंपैरिजन करना होता है तो यहां भी ऐसा ही कोई कहानी होगी ओके okay? नाउ अब ये देखो क्या कह रहे हैं पार्टनरशिप देयर टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटीज एन फॉर ऑल थ्री पार्टनर्स ईयर विल बी लिसन भाई से सिनेरियो नंबर वन अस से ये हज़रा कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करते बल्कि पार्टनरशिप की तरह ही काम करते हैं तो ये इतना इनका इनकम टैक्स होगा और ही बात है पार्टनर्स आर बिजनेसमैन पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए होती है तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं पार्टनर्स जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को क्लास टू और क्लास फोर एनआईसी देना होता है तो ये इनका टोटल बिल है देखो ये एग्जिस्टिंग बिल ये रहा दिस इज द एग्जिस्टिंग बिल याद रखना ये बिल काम की चीज़ है ये एग्जिस्टिंग बिल है अब आपने टैक्स का नया बिल कैलकुलेट करना है अगर वो इससे कम है तो फिर नया काम अच्छा है अगर वो नया बिल इससे ज्यादा है तो फिर यही अच्छा है ओके okay? अब देखो इसने एक और दिस इज बेस्ड ऑन अफिया अफुआ एंड एक्वा शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली यानी इन्होंने कहा कि हमारी अजम्पशन ये कि ये तीनों 33 33 33 33 1/3 1/3 के पार्टनर्स हैं सही है द फिगर्स आर आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ पर्सनल पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई पार्टनर नन ऑफ दार्टनरशिप शेयर वेरी गुड यानी ये लोग पर्सनल पेंशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये पार्टनर्स और साथ ये लोग कह रहे हैं कि इन पार्टनर्स के पास कोई और इनकम नहीं है सिवाय यही बिजनेस इनकम क्या बस यही इनकम थी ठीक है तो अब बिल्कुल कंपेरिजन लाइक विथ लाइक होगा अभी जब नई कंपनी कॉरपोरेट होगी जब न्यू कंपनी इन होगी तो उसमें भी बिज़नेस की इनकम होगी और यही सारे मसाइल होंगे हाँ तो कोई और इनकम है ही नहीं तो बस इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लेना उससे मैं तीस सेकंड दे रहा हूँ एक बार ये पढ़ लें ये पैराग्राफ पढ़ लें पहले फिर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ टैक्सबल टोटल प्रॉफिट फॉर दर एंडेड फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बिफोर देखो उसने before... डार्क करके लिखा है बेवकूफ नहीं है आपकी खातिर लिख रहा है वो बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ डायरेक्टर्स रिम्यूरेशन एंड कंपनीज़ पेंशन स्कीम विल भी दिस ये कंपनी के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं लेकिन अभी इसमें से कुछ भी लेस नहीं हुआ तो आपने समझ लो एक छोटा सा एक छोटा सा मिनी ट्रेडिंग इनकम का पी एन एल बनाना है और जो जो चीज़ें अलाउड एक्सपेंसिज हैं वो उसमें से लेस भी करनी है आपने सही है अब बताओ ये तीनों पार्टनर्स ए एन ए एफिया एफ एंड एकोआ विल हैविच पेड ग्रॉस अब ये लोग कंपनी की डायरेक्टर्स बन जाएंगी तो ऐसी सूरत हाल में इनको कंपनी से सैलरी मिलेगी ठीक है तो ये फाइव जीरो टू सेवन जीरो एक एक बंदे को मिलेगी ठीक है अब मैं दोनों एंगल से बात करता हूँ इन तीनों इंसानों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है इन तीनों तवज्जो रखना अगर मैं आज किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ अगर मैं आज किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मुझे सैलरी मिल रही है तो वो मेरे लिए ट्रेडिंग इनकम मेरे लिए वो नॉन सेविंग इनकम है एम्प्लॉयमेंट इनकम है सही है और हाँ कंपनी जब अपने डायरेक्टर को रिम्यूनोशन सैलरी दे रही होती है तो कंपनी के लिए अलाउड एक्सपेंस होता है डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स भी कंपनी के एम्प्लॉज़ होते हैं डायरेक्टर्स भी कंपनी के एम्प्लॉ होते हैं डायरेक्टर्स भी कंपनी के क्या होते हैं एम्प्लॉ होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में इम्प्लॉज़ के ऊपर आप जो भी खर्चा कर रहे हो सब अलाउड एक्सपेंस है तो कंपनी के पीएनएल में से ये तीनों सैलरीज अलाउड एक्सपेंस होंगी और इन तीनों इंसानों के लिए ये एक नॉन सेविंग इनकम के कॉलम में चली जाएगी द टोटल अमाउंट ऑफ क्लास वन एम्प्लॉय एम्प्लॉय जारी बात है बेटा अब अगर ये कंपनी है, देखो इधर ये कंपनी है और ये उसका एम्प्लॉय है तो बेटा एम्प्लॉई को आप सैलरी दे रहे हो ना तो हर एम्प्लॉई को भी हर एम्प्लॉई को क्लास वन एम्प्लॉई एन आई सी भी देना है और मालिक को भी अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे क्लास वन एम्प्लॉयर एन आई सी देना है वो सब भी आएंगे सही है चलो कुछ चीजें इसने रेडीमेड दी हुई है आपकी खातिर द टोटल अमाउंट ऑफ क्लास वन एम्प्लॉय एन आई सी पेबल फॉर ऑल थ्री डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर्स इमूनरे वन थ्री फाइव सेवन टू सही है द टोटल अमाउंट ऑफ टोटलॉयर एन आई सी विल बी दिस अच्छा अब आप मुझे सोच के बताओ दो एन आई सीज आपको दिए हुए हैं टोटल अमाउंट दिए हुए हैं टोटल अमाउंट दिए हुए हैं तो बेटा क्लास वन एम्प्लॉय एन आई सी को ये हर डायरेक्टर ने खुद पे करना है हर डायरेक्टर ने खुद पे करना है बाराल ये पूरी कंपनी और ये डायरेक्टर ये घर की तो बात है इन्होंने खुद ही तो इनकॉर्पोरेट की है ये सब इनकी कॉस्ट तो है लेकिन अब जरा सोचो कंपनी जो कि एम्प्लॉयर है कंपनी इज द एम्प्लॉयर बेटा सोचें कंपनी हमारा एम्प्लॉयर है प्लीज ऐसे सूखे सूखे ना पढ़े सोच सोच के पढ़े कंपनी जो कि एम्प्लॉयर है तो इन दोनों में से कौन सा एन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असली में एम्प्लॉयर की वो है क्लास वन एम्प्लॉयर एन आई सी तो जो क्लास वन एम्प्लॉयर एंड आई सी इज़ द बर्डन फॉर एम्प्लॉयर तो ये एक अलाउड एक्सपेंस होगा फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम पी एन एल ऑफ एम्प्लॉयर ये वाला ये वाला अलाउड एक्सपेंस होगा अलाउड एक्सपेंस होगा बेटा अपना थोड़ा सा अपनी टैक्स की नॉलेज प्लीज़ थोड़ा सा यूज़ करें सोचें क्लासेस को के मालिक मालिक अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो क्लास वन एम्प्लॉयर एनआईसी दे रहा होता है तो वो अलाउड एक्सपेंस होता है लेकिन ये वाला जो क्लास वन एम्प्लॉई एनआईसी है ये कोई अलाउड एक्सपेंस नहीं होता ये कोई अलाउड ये ये एम्प्लॉई पे करता है सही है तो ये कोई अलाउड एक्सपेंस नहीं है और किसी भी पी में से अलाउड एक्सपेंस नहीं है लिखवाया हुआ है मैंने ठीक है बहरहाल ये सारी चीज़ें कॉस्ट भी हैं अपनी तरफ से ये सब ये सारी कॉस्ट बनेगी अब ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्रिपल ए लिमिटेड विल मेक अ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीस हजार ट्वेंटी थाउजेंड इन द कंपनीज ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम फॉर ईच ऑफ थ्री डायरेक्टर्स अगर इम्प्लॉयर अगर इम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है अपने इम्प्लॉय के अकाउंट में इम्प्लॉय के अकाउंट में ऑक्युपेशनल पेंशन स्कीम में तो ये एक अलाउड एक्सपेंस है फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम पीएनल ऑफ एम्प्लॉयर

ऑफ नाइन थाउजेंड दी थ्री थ्री डायरेक्टर्स तो ये तीनों मालिक भी तो है ना इस कंपनी के तो इनको डिविडेंड्स मिलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे बच्चों डिविडेंड्स जो कंपनी दे रही है ये कोई अलाउड एक्सपेंस नहीं है डिविडेंड्स जो कंपनी दे रही है ये कोई अलाउड एक्सपेंस नहीं है कंपनी के लिए लेकिन हाँ ये जो इंसानों को डिविडेंट मिल रहे हैं तो इंसानों के याद है कॉलम्स बनते थे नॉन सेविंग इंटरेस्ट डिविडेंट तो ये डिविडेंट वाले कॉलम में जाएगा और हाँ इस पर टैक्स देना है इंसान को इस पर टैक्स देना है इंसान को इस पर टैक्स देना है रिक्वायरमेंट अज्यूमिंग द बिजनेस इज रन एज अ कंपनी फ्रॉम अब देखो सेकेंड ऑप्शन आया कंपनी का पार्टनरशिप से अगर रन करते हैं तो उसके टैक्सेस आपको बता दिए थे वो तो तैयार उसने दिए हमें कैलकुलेट पेबल बाय थ्री इंडिविजुअल्स इंसान इंसान पहले इंडिविजुअल्स को देखो कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा तो इंडिविजुअल देखो मैं आपको बता दूध इधर देखो इंडिविजुअल का कॉलम ये रहा एक तो इनको इंप्लॉयमेंट इनकम मिल रही है इंडिविजुअल्स को देखो डायरेक्टर रिम्यूनेशन की नॉन सेविंग के कॉलम में जाएगी और एक इनको ये मिल रहा है डिविडेंड ये इंसानों की दो इनकम्स है ये इंसानों की दो इनकम्स है पॉइंट नंबर टू और थ्री कोई उनकी इनकम नहीं है पॉइंट नंबर टू और थ्री इस इंसानों की कोई इनकम नहीं है देख लो भाई तो मैं अभी ये कैलकुलेट कर दूंगा Now, अब कंपनी का टैक्स निकालना है कंपनी का टैक्स के लिए कंपनी का ट्रेडिंग इनकम का पीएनएल बनाना है और ये सारे पॉइंट नंबर वन से लेके फोर तक जो जो चीज़ें अलाउड एक्सपेंस हैं जो जो चीज़ें अलाउड एक्सपेंस है वो इस ट्रेडिंग प्रॉफिट में से लेस होंगी और फिर एंड में देखते हैं कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आता है उस पर टैक्स रेट अप्लाय होगा उस पर टैक्स रेट अप्लाई होगा यू ऑल नो द टैक्स रेट ऑफ कंपनी यू ऑल नो द टैक्स रेट ऑफ कंपनी अब नाउ कंप्यूट द टोटल टैक्स एन आई सीज फॉर द पार्टनर्स एंड टैक्स कैलकुलेटेड प्लस द एन आई सीज हाँ एंड स्टेट इफ देर एनी यस ये अब इनका कंपेरिजन कर लेना आप देख लेना कि टोटल पॉइंट नंबर थ्री में टोटल कॉस्ट किसकी कम आ रही है पार्टनरशिप का तो आपको टोटल पता है पार्टनरशिप का टोटल बताऊँ ये रहा ये रहा भाई देखो ये रहा पार्टनरशिप का टोटल अगर ये लोग अपनी अपनी बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप रन करते हैं तो इनका खर्चा है सिक्स डबल सेवन सिक्स डबल एट सेवन सेवन और अगर ये लोग करते हैं एज अ कंपनी तो उसका खर्चा आपने सारा निकालना होगा डेफिनेटली ओके okay? तो अब मैं इसको एक्सेल पे कन्वर्ट करूंगा अपनी शीट पर मुझे अपना चेंज करना होगा पहले मुझे बताएं कि आप लोग इसकी पिक्चर्स ले लें मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन की अगर आपने स्क्रीन पे एक पिक्चर ले लें मैं मूव कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं फिर दोबारा क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा मैं क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा प्लीज़ ये क्वेश्चन की पिक्चर ले लें आप लोग ठीक है पिक्चर ले ली अब मैं अपने आपको शिफ्ट करूंगा वहाँ ओके okay. तो देखें आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पे स्क्रीन पे आपके सामने एक एक्सेल की शीट नज़र आ रही है अब मैं पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए की तरफ जाऊंगा पहले मैं रिक्वायरमेंट नंबर ए की तरफ जाऊंगा ओके और उसमें इंसानों के लिए बहुत प्यार से आपने रिक्वायरमेंट आपके पास पिक्चर ले लिए इंसानों के लिए टैक्स निकालना है लेकिन बेटा मैं एक पार्टनर के लिए निकालूंगा और तीनों का एक जैसा ही आएगा क्योंकि तीनों की इनकम इक्वल शेयर है ना इक्वल शेयर है और एक जैसी सैलरी एक जैसे डिविडेंड है बेटा तीनों के पास कोई और इनकम नहीं थी पहली बात तीनों को सेम डायरेक्टर रेम्यनेशन मिल रहा था यस yes, और सेम डिविडेंड मिल रहे थे तो इनकम ही सेम है तो एक बंदे के लिए कैलकुलेट करूंगा मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दूंगा तीनों का आ जाएगा सही है चलो यहां मैंने आपकी खिदमत में लिख दिया नॉन सेविंग सॉरी एन स्लैश एस और ये मैंने लिख दिया डिविडेंट ओके okay? चलो अब देखो डायरेक्टर रेम्यूनोरेशन कितनी थी फाइव जीरो टू सेवन जीरो 50270 ठीक है पेंशन कंट्रीब्यूशन कोई एक्सपेंस है कोई इनकम नहीं है बेटा अगर मालिक आपके पेंशन अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये आपके लिए आपके लिए एग्जैम बेनिफिट है आपको पता है तो कोई इनकम नहीं है हाँ डिविडेंड इनकम इसको कितनी मिली है 9000 की मिली है ठीक है अब चलो यहां से मैंने इसको करा टोटल 50270 और ये आ गया ठीक है ये टोटल आ गया अब हर इंसान को साल में एक बार हर इंसान को साल में एक बार पर्सनल लाउन्स मिलता है और पर्सनल लाउन्स मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं आपकी ए एन आई पर डिपेंडेंट होता है तो बेटा कुछ चीज़ें अकल से यूज़ करो टाइम अपना सेव करो ये जो दोनों इनकम्स हैं फाइव जीरो टू सेवन जीरो और नाइन थाउजेंड ये करीब करीब सिक्सटी थाउजेंड के आसपास बनेगी विच इज़ लेस देन हंड्रेड थाउजेंड कोई गिफ्टेड डोनेशन नहीं है और कोई पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आपकी ए एन आई हंड्रेड थाउजेंड से कम है आपकी ए एन आई हंड्रेड थाउजेंड से कम है तो आपको पर्सनल लॉन्स मिलेगा ये ओके चलो अब देखते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आई है ठीक है ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई अब टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है पर डायरेक्टली टैक्स रेट अप्लाई होता है मेरे प्यारे बच्चों बिफोर अप्लाइंग टैक्स रेट ऑलवेज ऑलवेज चेक कहीं बैंड एक्सटेंशन तो नहीं हो रहा नहीं हो रहा इंसानों के बैंड सिर्फ दो वजह से एक्सटेंड होते हैं एक ग्रॉस गिफ्टेड और दूसरा पर्सनल पेंशन पीपीसी पीपीसी याद है पीपीसी ग्रॉस पीपीसी और वो जो जिसको बोलते थे रिलीफ वाला अमाउंट टीआरसी से वो इस सवाल में नहीं है कोई नहीं है इस इस कंपनी के केस में नहीं है तो बस इंसानों के नॉर्मल बैंड है जीरो टू थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट तो बेटा पहले बैंड की कैपेसिटी है थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड तो मजे की बात ये देखो आपकी आपकी ये नॉन सेविंग इनकम एक्जैक्टली आपकी नॉन सेविंग इनकम एक्जैक्टली थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड है तो पहला बैंड पूरा खा जाएगी तो चलो यहाँ लिख देते हैं पहले ये आएगा एन स्लैश एस क्या होगा ये देखो थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड इन टू पॉइंट टू ट्वेंटी परसेंट ठीक है यहाँ करते हैं सॉल्व इक्वल थर्टी सेवन सेवन हंड्रेड इन टू पॉइंट टू नहीं कुछ गलती की हमने Arrow, कर दिया सॉरी था 7540, सही है अब आते हैं हम अब ये पूरा पूरा नॉन सेविंग पे टैक्स कैलकुलेट हो गया और पहला बैंड भी खत्म हो गया पहला बैंड पूरा कंज्यूम हो गया तो अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सेकंड बैंड भी बड़ा है अच्छा खासा आपको पता है तो अब ये नौ हजार के जो डिविडेंड है ना ये नौ हजार के बैंड में आएंगे तो डिविडेंड के लिए सबसे पहले डिविडेंड के लिए सबसे पहले एनआरबी पहले, पहले क्या है एन आर बी याद है एनआरबी क्या होता है डिविडेंड का एनआरबी हजार है इन टू जीरो तो ये बनेगा जीरो याद है अब बेटा नौ हज़ार की डिविडेंड इनकम में से आठ हजार पे आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया आठ हजार पे आपने सॉरी नौ हजार की डिविडेंड इनकम में से हजार पे आपने टैक्स कैलकुलेट कर दिया तो आठ हजार की डिविडेंड इनकम रह गई अब ये जो आठ हजार की डिविडेंड इनकम है ना ये सेकंड बैंड में आएगी देखो पहला बैंड कंज्यूम हो चुका है पहला बैंड नॉन सेविंग पूरा खा चुकी है प्लीज बेटा अरसे से टेक्स। तो अब के second band का रेट था इन टू पॉइंट थ्री थ्री सेवन फाइव यह आया ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ओके चलो अब आप ये टैक्स को यहां ऐड करते हैं ठीक है ये वन जीरो टू फोर जीरो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई एक बंदे की तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी टोटल टैक्स सॉरी इनकम टैक्स लाइबिलिटी और ऑल थ्री डायरेक्टर्स ये हो जाएगी दिस इन टू थ्री थ्री जीरो सेवन टू जीरो लो भाई तीनों डायरेक्टर्स के आपने ये इनकम टैक्स रिटी निकाल दी है एक रिक्वायरमेंट हो गई शायद दो तीन मार्क की जो भी है ये एक रिक्वायरमेंट हो चुकी है ओके okay. अब अब आते हैं देखो मैंने ऑलरेडी आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने टैक्स ऑलरेडी लिख दिया ताकि टाइम बचे हमारा सही है अब आते हैं कंपनी का टैक्स निकालते हैं कंपनी का टैक्स निकालते हैं कंपनी का ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना था टू सिक्स फोर थाउजेंड और उसने साफ साफ बोला था बिफोर डिडक्टिंग ऑल दीज थिंग्स कुछ भी लेस नहीं हुआ था सबसे पहले कंपनी जो अपने एंप्लॉज को सैलरी दे रही है जी हां कंपनी जो अपने एम्प्लॉज को सैलरी दे रही है वो अलाउड एक्सपेंस है तो एक एक डायरेक्टर को देखो सामने लिखा है 50270 दिया ना एक एक डायरेक्टर को दिया है फाइव जीरो सही है तो तीन डायरेक्टर कितना अलाउड एक्सपेंस बन गया डिविडेंड्स कभी भी अलाउड एक्सपेंस नहीं होता डिविडेंड कभी भी कंपनी अगर अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है कोई अलाउड एक्सपेंस नहीं है बचपन में अकाउंटिंग में ही पढ़ा हुआ है सही फिर उसके बाद हां क्लास वन एम्प्लॉयर एंड आईसी क्लास ये था वन सेवन डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ ये क्वेश्चन से डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ फिर हाँ अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय के ऑक्यूपेशन पेंशन में रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही तो वो अलाउड एक्सपेंस एक्सपेंसिव तो सिक्सटी थाउजेंड अलाउड होगा बीस हजार एक लड़के का है ठीक है अब देखते हैं कितना आया टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट थ्री सिक्स 146, yes. अब ये पचास हजार से कम है आपको नए टैक्स रेट के रूप फिफ्टी थाउजेंड से कम है तो डायरेक्ट नाइनटीन परसेंट अप्लाई होगा डायरेक्ट नाइनटीन परसेंट अप्लाई होगा डायरेक्ट नाइनटीन परसेंट अप्लाई हो सॉरी oh, ओके क्वल ये आ गया आपका ठीक है अब आपका कॉरपोरेशन टैक्स भी आ गया इनकम टैक्स भी आ गया देखो अब थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचना है भाई ठहर जाओ पहले पहले इसको देख लो पहले इसको थोड़ा सा थोड़ा सा इसको चेक कर लो आराम से ये कंपनी का काम किया है सेकंड काम किया मैंने कॉर्पोरेशन टैक्स आपको निकाल दिया कॉरपोरेशन टैक्स आपकी खिदमत में निकाल दिया है ये देख लो अब देखो बेटा आप पहले प्यार से समझो सोचो प्लीज दिमाग को बंद नहीं करना आप ये लोग अपना शराफत से पार्टनरशिप का, का काम चला रहे थे और उसमें टैक्सेस जा रहे थे इन्होंने जो कंपनी फॉर्म की तो कंपनी भी इनकी है और ये ये लोग खुद भी इनको कंपनी को भी मैनेज करना है खुद भी मैनेज होना है यानी कंपनी के भी जो भी जो खर्चे होंगे तो इन्होंने बिजनेस का फॉर्म चेंज किया ना तो सारे खर्चे अल्टीमेटली घर के ही है ना इनके अपने ही है यानी इन्होंने जान के कंपनी फॉर्म की है टैक्स बचाने के लिए तो अब जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो एंड में हम गिनेंगे तो अब कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी कि मैं आपको गिराऊँ सुनो सबसे पहले कंपनी खुद का कॉरपोरेशन टैक्स देगी ये ये कॉस्ट है देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये है 6, 8, 6, एक कॉस्ट है दो चीजें हो गई फिर इन लड़कों को जब इनकम मिली इन लड़कों को जब सॉरी लड़के लड़कियां जो भी थे इनको जब मिली, तो इनको देना पड़ा। इन लड़के लड़कियों को जब इनकम मिली तो इनकम टैक्स देना पड़ा तीन चीजें और ये तीनों कंपनी के इम्प्लॉय भी थे ये तीनों कंपनी के इम्प्लॉय भी थे तो इनको क्लास वन एम्प्लॉय एनआईसी भी देना पड़ेगा इनको क्लास वन एम्प्लॉय एन भी देना पड़ेगा हाँ तो ऐसी सूरत सूरत हाल में ऐसी क्लास वन एम्प्लॉय एन आई सी भी ओवरऑल कॉस्ट है तो चार कॉस्ट लगी है टोटल ठीक है तो एक कारपोरेशन टैक्स लगा है एक ये लगा है क्लास वन एम्प्लॉयर एन एक इनकम टैक्स अल्टीमेटली इनको पे करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी से इनकम आ रही है ठीक है तो वो इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स है और चौथी चीज ये लोग उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो क्लास वन एम्प्लॉय एन अब ये चारों कॉस्ट में एंड में ऐड करता हूँ देखते हैं लिमिटेड कंपनी में चारों कॉस्ट में यहाँ ब्रैकेट में लिख के ऐड करता हूँ देखो इधर कॉर्पोरेशन टैक्स कितना था भाई सिक्स एट सिक्स सेवन कॉर्पोरेशन टैक्स था सिक्स एट नहीं सिक्स एट सिक्स एट ही कर रहा हूँ राउंड ऑफ करके फिर मेरे पास था क्लास वन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एन आई सी वन फिर हमारे पास था थ्री सेवन टू जीरो इनकम टैक्स था फिर आखिरी चीज़ थी क्लास वन एम्प्लॉय एन आई सी वो था वन थ्री फाइव सेवन टू वन थ्री फाइव सेवन टू ये सारी की सारी कॉस्ट इन्होंने बेयर करनी है चलो इन सब को ऐड कर लेना तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा सिक्स एट टू ज़ीरो फोर सिक्स एट टू ज़ीरो फोर ये आएगा और अब मुझे बताओ ये देखो कंपनी अगर आप इस पूरी कहानी को एज अ कंपनी रन करते हो तो ये खर्चा है लेकिन आप क्वेश्चन में जाके चेक करो आपके पास क्वेश्चन की पिक्चर है बेटा चेक करें अगर आप इस पूरे सेटअप को एज अ पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रहे थे तो खर्चा था सिक्स एट एट डबल सेवन सिक्स एट एट डबल सेवन अब आप मुझे बताओ ज़्यादा खर्चा पार्टनरशिप में था ना ज़्यादा खर्चा पार्टनरशिप था इसमें कम है तो अब आप देख लो कितनी सेविंग हुई है आपकी सेविंग हुई दिस माइनस बेस सिक्स सेवेंटी थ्री की आपकी सेविंग हो गई है बस ये आपने एंड में बताना था सिक्स सेवेंटी थ्री की आपकी सेविंग हो गई है ये बात मेरे प्यारे बच्चों आपने बतानी थी तो कोई ऐसा है नॉर्मल नहीं है देखिए ना एक बात पहले बता दूं भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना जरूरी है मैंने क्लास में पूरा पढ़ाया है तो वो चैप्टर पढ़ के आप ये करें तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा चैप्टर पढ़ के करें तो ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी होगा क्योंकि उस चैप्टर में मैंने और एग्जांपल्स भी दी हुई हुए सुने बेटा उसमें मैंने आपको एज अ एक बंदा अकेला सोल ट्रेडर काम करे या लिमिटेड कंपनी काम करे तो क्या फ़र्क है हाँ इसी तरह एक बंदा जॉब करे एम्प्लॉय एम्प्लॉयड रहे या सेल्फ एम्प्लॉयड रहे तो क्या फ़र्क है वो सारी बातें बताई गई हैं और इस पर एक आर्टिकल भी है एडवांस स्किल्स के नाम से एक आर्टिकल है मैंने उस वक्त भी उस क्लास में ही बोला था अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो वो लाजमी अभी भी जाए और मैं बोलूँगा वो आर्टिकल ज़रूर पढ़े कोई सेल्फ सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है ना तो वो आर्टिकल ज़रूर पढ़े तो बेटा आप ये देख लो ये देखो ये आपके सामने सॉल्व कर दिया मेरे प्यारे बच्चों ये देख लो सामने देखें ये देख लो भाई ये पहले इंडिविजुअल्स के टैक्सेस कैलकुलेट हुए हैं बेटा फिर ये देखो ये कंपनीज के टैक्सेस कैलकुलेट हुए हैं और फिर ये कंपैरिजन हुआ है सही है तो अब रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप लोग पढ़ें और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो बनाया हुआ है उस पर भी मैं कुछ मैसेजेस आप लोगों को भेज रहा होता हूँ उस पर ये स्लाइड्स भी भेज दूंगा ठीक है इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा बेफिक्र हो जाओ लेकिन मैं फिर कहता हूँ अभी भी टाइम है हैवी पैसे लगाए हुए हैं आप लोगों ने अपना टाइम लगाया हुआ है अपनी जवानी लगाई हुई है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो बेहतर है कि अब बहुत करीब पहुंच गए हो अब ज़ाया नहीं करो थोड़ा धक्का लगाओगे पेपर निकल जाएगा मैंने आपको स्कोर्स दिखाए ये आपकी ही तरह के बच्चे थे आप लोग की क्लासमेट्स और इसी तरह के बच्चे हैं तो यार ये लोग जब कर सकते हैं तो आप लोग लाजमी कर सकते हो ठीक है तो चलें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ थैंक यू